तो हेलो भाई लोग, तो आप लोगों ने शील सीरीज तो जरूर देखी होगी, और अगर आपने नहीं भी देखी तो आपने वर्ल्ड वॉर हल्क का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ये आजकल इंटरनेट पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। क्योंकि जब से शी हल्क का एपिसोड 2 आया है और उसमें हल्क का सकारियन स्पेसशिप में सीन दिखाया गया है, तब से इसका ट्रेंड जैसे आसमान छुड़ा है। पर बहुत लोग अब तक ये नहीं जानते कि वर्ल्ड वॉर हल्क चीज क्या है, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो बिना देर किए वर्ल्ड वॉर हल्क के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है अर्थ से, जहां पर हल्क के आतंक से परेशान होकर इल्यूमिनाटीज नाम के 5 लोगों ने उसे एक स्पेसशिप में सकार पे भेज दिया था। तो ये इल्यूमिनाटीज है वो 5 फ्रेंच फ्राइज जिन्हें वांडा ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आलू की कचौरी बना दिया था। सकार पे पहुंचने के बाद हल्क को रेड किंग के आदमी पकड़ लेते हैं। तो ये रेड किंग है सकार का राजा। हल्क को पकड़ने के बाद वो उसके सीने पे ओबीडियंस डिस्क लगा देता है, जिससे हल्क उसके कंट्रोल में आ जाता है, और फिर वो पटकता है उसे जाके अरीना में और उसे लड़ने पर मजबूर करता है। पर जब हल्क अपनी ताकत दिखाता है तो रेड किंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हल्क वहां पर वॉरबाउंड नाम की अपनी एक खुद की लड़ाकू टीम बनाता है और एक एक करके ग्लैडियटोरियल बैटल जीतते जीतते सकार का राजा बन जाता है। वो रेड किंग को मारकर उसका पद छीन लेता है, और फिर रेड किंग की जो बॉडीगार्ड होती है जिसका नाम है कियारा, उसके साथ वो वो सब होता है, और फिर उनका बच्चा भी होने वाला होता है। तभी घटती है एक बहुत ही भयंकर घटना। हल्क जिस स्पेसशिप में सकार पर बधा रहा था, वो स्पेसशिप अचानक से फट जाती है, और वहां पर वॉर बाउंड को छोड़कर जो बाकी के लोग थे इंक्लूडिंग कियारा, सब मर जाते हैं। और फिर हल्क को लगता है ये इल्यूमिनाटीज का ही क्या धरा है, और वो इल्यूमिनाटीज को मारने के लिए निकल पड़ता है। वो सबसे पहले जाता है मून पर, और मून का जो नीला एरिया था वहां पर रहते थे इनह्यूमंस, और इनह्यूमंस का ही राजा था ब्लैक बोल्ट, जिसे आप मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जरूर देख चुके होंगे। और फिर हल्क के साथ ब्लैक बोल्ट की एक फाइट शुरू होती है। ब्लैक बोल्ट हल्क के साथ लड़ते लड़ते एक छोटी सी बात कह देता है, एनफ, और इसी से सैलाब आ जाता है। पर अचानक से ब्लैक बोल्ट देखता है कि हल्क खड़ा हुआ है, और वो कह रहा है कि मैं यहाँ तुम्हारी छोटी मोटी आवाजें सुनने नहीं, तुम्हारी चीख सुनने आया हूँ। और फिर वो ब्लैक बोल्ट को इतनी बुरी तरीके से पेलता है कि क्या बोलूं। और फिर अचानक से ब्लैक बोल्ट को मारने के बाद वो पृथ्वी पर एक ट्रांसमिशन भेजता है कि वो ब्लैक बोल्ट को मार चुका है, और बाकी के सुपर हीरोज को मारने के लिए अर्थ पर पधार रहा है। पर अर्थ पर पधारने से पहले उसकी मुलाकात हो जाती है टोनी स्टार्क से। टोनी अपना हल्क बस्टर आर्मर पहन के हल्क को रोकने के लिए स्पेस में चला जाता है, पर हल्क के साथ उसकी फाइट में टोनी देखता है कि हल्क की ताकत कितनी बढ़ चुकी है। वो टोनी का हल्क बस्टर आर्मर लिटरली फाड़ के रख देता है। फिर वो अर्थ पे पहुंचने के बाद सबसे पहले जाता है चार्ल्स एक्सेवियर से मिलने। चार्ल्स एक्सेवियर तब इल्यूमिनाटीज का हिस्सा नहीं था, पर हल्क उसके साथ जाता है उसे मारने के लिए नहीं, उसके साथ थोड़ी सी बातें करने के लिए। पर म्यूटेंट्स उसे रोकने के लिए सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम तुम्हें उससे नहीं मिलने देंगे। फिर शुरू होती है म्यूटेंट्स के साथ हल्क की मुकाबला, और सारे के सारे दुनिया जमाने के जितने स्ट्रांग म्यूटेंट्स थे सब आ जाते हैं हल्क से लड़ने के लिए, साइक्लॉप्स, वुल्वरीन, सब। उन सबको पेलने के बाद हल्क का मुकाबला होता है डिफेंडर्स से, मतलब लूक केज, एमा फ्रॉस्ट, शी हल्क। और उनमें सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है वो है शी हल्क के साथ हल्क की फाइट। हल्क बस एक पंच में शी हल्क को गाड़ के रख देता है। इसे तुम हल्क और शी हल्क की ताकत का डिफरेंस आसानी से समझ सकते हो। अब हल्क के साथ फाइट शुरू होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क के साथ सीधे फाइट में ना उलझते हुए अपने जादू मंत्र के जरिए हल्क को ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं हूँ सॉर्सरर सुप्रीम, और मैं चाहूँ तो तुम्हारे अत्रियों से तुम्हारे दिमाग को बाहर निकाल सकता हूँ। और ये सुनने के बाद हल्क अपने नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसके साथ बात करने लगता है कि तुम प्लैनेट हल्क के प्लैनेट अर्थ के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा थे, तो तुम्हें यहाँ से दूर कहीं फेंकना एक सही डिसीजन था, पर मैं तुम्हारे परिवार के मरने के लिए अफसोस भी करता हूँ। और ये कहने के बाद वो हल्क के कंधे पर हाथ रखता है, पर हल्क कहता है निकल जाओ यहाँ से। और फिर वो दोबारा से हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है, और उसके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट शुरू होती है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी कहाँ आने वाले थे, वो जॉम नाम की एक एंटिटी की पावर्स लेके हल्क के साथ मुकाबला करते हैं, और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज नाम का एक स्मैश देते हैं जो कि लिटरली बहुत कूल था। पर फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क के सामने टिक नहीं पाते, हल्क का रेज उस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर हल्क जाता है फैंटास्टिक फोर के पास, वहाँ पर जॉनी स्टॉर्म, उसकी बहन द थिंग और रीड रिचर्ड्स के साथ भी उसका मुकाबला होता है। वो रीड रिचर्ड्स को
एक रबर की तरह उठाकर पटक देता है और फिर उन्हें लेके जाकर फेंकता है एक ग्लैडिटोरियल अरीना में और फिर उनके साथ वैसा ही सलूक शुरू करता है जो उसके साथ शिकार पे हुआ था। वो उनसे ग्लैडिटोरियल्स बैटल करवाने लगता है और उनका मजा भी लेने लगता है और फिर वहां पर प्रकट होता है उन सबका रखवाला सेंट्री। अगर आपको सेंट्री के बारे में जानना है तो कमेंट कर दो, उस पर भी नई वीडियो बना दूंगा। और फिर हल्क के साथ सेंट्री की फाइट शुरू होती है और कोई भी होल्ड बैक नहीं करता, दोनों की पावर्स एक इमेंस लेवल तक बढ़ जाती है। वो दोनों एक दूसरे से साथ कितनी देर तक फाइट करते रहते हैं, उन दोनों के बॉडी से निकलते हुए शॉक वेव पूरी धरती को हिलाने लग जाती है और इस फाइट के आखिर में सेंट्री और हल्क दोनों ही अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। और इसी वक्त एक बहुत ही ज्यादा सेंसेशनल बात का खुलासा होता है कि हल्क के वॉर बाउंड का मेंबर मीक उसी ने ही शिकारी स्पेसशिप को एक्सप्लोड किया था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि किंग बनने के बाद हल्क का रेज एक जगह पर कम हो चुका है और इसका उसे सबसे ज्यादा एक लॉजिकल तरीका लगा हल्क के रेज को बनाए रखने का कि उसके परिवार को उड़ा दो। ये सुनने के बाद हल्क अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया, वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, तुरंत हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसने मीक की चटनी बना के रख दी और फिर उसका गामा इतनी बुरी तरीके से बढ़ने लगा कि वो खुद कहने लगा कि मुझे रोक लो वरना मैं पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। और तभी वो बना वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। और फिर टोनी साहब तो अपने मजे में एक अलग ही काम कर रहे थे, अपने सैटेलाइट को हैक कर रहे थे और उसी के जरिए उसने हल्क की जो गामा रेडिएशन थी उसे ड्रेन कर लिया और पूरी की पूरी दुनिया बच गई। और ये बहुत ही ज्यादा मैसिव इवेंट था। अब बात करते हैं इसके एमसीयू में आने के चांसेस। और शी हल्क में जब से एपिसोड 2 में हल्क का शिकारियन स्पेसशिप वाला सीन दिखा है तब से इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ये उसी स्टोरी को डिटेल करता है और अगर एमसीयू इसे अपने स्टोरी लाइन में डालना चाहता है तो मेरे मुताबिक कम से कम 3 फिल्म्स तो लग ही जाएंगे इसकी स्टोरी को ठीक ठाक से दिखाने के लिए, और अगर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाने जाओ तो 4 फिल्म्स। और आपके मुताबिक कितने फिल्म्स में ये दिखेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, बट मेरे मुताबिक 3 फिल्म तो लगनी ही चाहिए। और इसी के साथ स्टोरी खत्म होती है और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।